आज मैं बिल्ड करने वाला फ्री फायर के जायंट से क्लॉक टावर को, वो भी माइनक्राफ्ट में। इसमें लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा टाइम, तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे मटेरियल लिस्ट, जिसमें लिटरली 1 मिलियन के लगभग मटेरियल्स हैं। भाई साहब, ना जाने कितना टाइम लगेगा इसे कलेक्ट करने में। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए होगा सैंड एंड सैंड स्टोन। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सैंड ड्यूपर पे, जहाँ पे हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं लिटरली 100 स्टैक से भी ज़्यादा सैंड। पिछले वीडियो मैंने यहाँ पे एक सैंड ड्यूपर बनाया था, लेकिन ये वर्क ही नहीं करता क्योंकि ये वाले वर्जन में इसमें कोई ग्लिच है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। तो मुझे बनाना पड़ेगा एक और सैंड ड्यूपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना सैंड ड्यूपर। इसी के साथ हमारा मशीन बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम, अरे यार, ये एंडरमैन भी ना बिल्कुल दिमाग ख़राब कर रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले इसे हेलमेट हटाते हैं और चलते हैं। अरे यार, ढंग से वीडियो शूट भी नहीं करने देते हैं। सिंपली मुझे बस इस लीवर को फ्लिक कर लेना है और यहाँ पे रहना है AFK। तब तक के लिए सारे के सारे सैंड यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे। ये देखो भाई, कितनी परफेक्ट तरीके से ये वर्क कर रहा। तो सीधे हम लोग चलते हैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे AFK। 5 minutes later. तो फाइनली 1 मिनट बीत चुका है और हम लोग आते हैं ओवरवर्ल्ड में। और ओ भाई साहब, कितने सारे सैंड हैं यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ जहाँ चाहो उतरा पड़े भी हुए हैं, तो इन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये पिलर को तो देखो भाई, कितना ज़्यादा एपिक लग रहा। अब करते हैं इस पिलर को रिमूव और यहाँ पे बनाएंगे कलेक्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मुझे इसको हटाना होगा। और ये रहा टॉर्च, जिसे लगा 1 सेकेंड। अरे यार, ये डिप्ले मोड भी ना, इसकी वजह से टॉर्च प्लेस नहीं हो पा रहा। एंड ये रहा भाई साहब, कितने सारे सैंड हैं यहाँ पर। यार ये तो आया जा रहा, लिटरली इसका कोई एंड ही नज़र नहीं आ रहा। भाई साहब, ये आज ख़त्म हो गया। और इसी के साथ मैंने बना लिया यहाँ पे कलेक्टिंग सिस्टम, जिसमें है बहुत ही सारे चेस्ट। तो सिंपली बस मुझे अब रहना पड़ेगा AFK। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत डर्ट लगा देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था कुछ सैंड हैं जो कि बाहर गिर गए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत डर्ट लगा देता हूँ ताकि कोई भी सैंड ख़राब ना जाए। अब मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ AFK, जब तक के सारे सैंड कलेक्ट नहीं हो जाते। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक बहुत ही लंबे टाइम की AFK के बाद। 1 eternity later. भाई साहब, मैं पिछले 6 घंटे से AFK था। तो फिर अब हम लोग चलते हैं रिजल्ट देखने की, हाँ यहाँ मेरे पास कितना सैंड कलेक्ट हुआ है। तो फिर सीधे चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। एंड मेरे जस्ट पीछे ही होगा ये फार्म। एंड ओ भाई, कितने सारे सैंड यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, कहीं ये डिस्पॉन ना हो जाए। और सारे चेस्ट भी पूरे तरीके से भर चुके हैं, यानी कि हमारा सारा काम हो चुका है। अब बस मुझे इन्हें स्मेल्ट करना है और सिंपली क्राफ्ट करना है। एंड एक बार मैं नीचे तक चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअली में सारे के सारे सैंड यहाँ भरे हैं कि नहीं। एंड ओ भाई साहब, लिटरली यहाँ पे मेरे पास अनलिमिटेड सैंड आ चुका है। तो फिर हम लोग सीधे चलते हैं इनके क्राफ्ट करने। इतने मटेरियल्स को कैरी करने के लिए मुझे चाहिए होंगे बहुत ही सारे शल्कर बॉक्सेस। तो फिर हम लोग लग जाते हैं डायरेक्ट काम पे। यू नो व्हाट टाइम इट इज, डिस्को टाइम। फाइनली मेरे पास आ चुके हैं टोटल 10 शल्कर बॉक्सेस। अब मुझे सिंपली इन्हें क्राफ्ट करना है सैंड स्टोन में और उन सबको फिल करना है, जिसमें लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा टाइम। तो फिर मैं सारी चीज़ों को क्राफ्ट करके आपसे मिलता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस वाले फार्म में इन सबको स्मेल्ट कर पाऊँगा। इसी के साथ मैंने सारी चीज़ों कर दिया है अपग्रेड, यानी कि सारे जगह काफ़ी ज़्यादा चेस्ट आ चुके हैं और अब ये फार्म चलने वाला है बिल्कुल अनलिमिटेड स्पीड से। तो फिर हम लोग सीधे चलते हैं सारी चीज़ों को। और ये देखो भाई, सब सारी चीज़ें स्टार्ट भी हो गई और ये स्मेल्ट होना स्टार्ट भी हो गया। अब मुझे यहाँ पे AFK रहना पड़ेगा जब तक सारी चीज़ें स्मेल्ट नहीं होती। एंड 1 सेकेंड, ये बैम्बू कहाँ से गिर रहा है? ओ मुझे अब समझ में आया, एक्चुअली मैंने यहाँ पे बनाया है एक अनलिमिटेड फार्म, जिसकी वजह से यहाँ पे बैम्बू आते रहेंगे और फ्यूल यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। और ये रहा, यहाँ से सारे के सारे बैम्बू नीचे गिर रहे हैं। तो फिर सारी चीज़ों को मैंने फिक्स कर दिया और अब यहाँ पे रहना होगा AFK। तो मैं सारी चीज़ों को स्मेल्ट करके और सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके आपसे मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। फाइनली 20 घंटे की मेहनत की बाद भाई साहब, सारे के सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके हैं। हाँ तो ये बंद हो गया और ये रहे सारे के सारे मटेरियल्स। भाई साहब, जिन्हें कलेक्ट करने मुझे 20 घंटे लगे, सारे के सारे सैंड यहाँ पे हो चुके हैं स्मेल्ट और बाकी सारे छोटे मोटे मटेरियल्स थे जिन्हें मैंने बहुत ही इजिली कलेक्ट कर लिया। यानी कि वक्त आ गया है कि हम लोग बिल्ड करें क्लॉक टावर। तो फिर सीधे चलते हैं एक अच्छी सी जगह देखने के लिए, जहाँ पे हम लोग बिल्ड करेंगे अपना द ग्रेट क्लॉक टावर। काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ये जगह मिल चुकी है जहाँ पे मैं बिल्ड कर सकता हूँ बहुत ही इजीली अपने बिल्ड को। और ओ भाई साहब, यहाँ तो काफ़ी सारे मॉब्स भी हैं। तो फिर मैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये फोटो यहाँ पे मैंने लोड कर लिया इसके मैटिक और सारे के सारे मटेरियल्स भी यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी कि अब वक्त आ गया है हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करें। तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना द ग्रेट क्लॉक टावर।
भाई साहब टोटल 30 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग चुका है इसे बिल्ड करने में, और जो फाइनल लुक है वो एक्चुअल में वर्थ इट है भाई साहब। बिल्कुल मज़ा आ गया इसे बिल्ड करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मैं दिखाता हूँ अपना द ग्रेट क्लॉक टावर। जो सारे हाउसेस वो बहुत ही ज़्यादा एपिक लग रहे हैं, और मुझे अपने फ्री फायर वाले दिन याद आ गए जब मैं दिन भर सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर खेला करता था। तो फिर सबसे पहले तो मैं थोड़े रेंडर डिस्टेंस कम कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी गेम बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा, एंड बस मुझे इसे करना होगा 6 चंक्स तक। और ये रहा, और भाई ये देखो जो ग्रीन वाला हो जहाँ पे हम लोग लिटरली कैंप भी किया करते थे भाई साहब, ये तो बहुत ही ज़्यादा एपिक लग रहा देखने में। तो फिर सिंपली मैं यहाँ पे एक बार ऊपर से आपको टूर दे देता हूँ। ये रहा हमारा द ग्रेट क्लॉक टावर, भाई कितना ज़्यादा एपिक लग रहा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो क्लॉक टावर है वो अभी भी आसमान में उड़ रहा है, जो इसके नीचे का एरिया है वो पूरा खाली है। आपको ये क्लॉक टावर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यार ये एंडरमैन भी ना जाने क्यों इन्हें एक प्रॉब्लम है कि मैं ढंग से एक वीडियो भी शूट नहीं कर सकता। और ये देखो भाई ये दौड़ रहा है, चलो तो इसे छोड़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि हाँ आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। अरे यार ये एंडरमैन भी ना बिल्कुल दिमाग ख़राब कर रखा है। आजा बेटा आजा, आज तो तू रह गया मैं एंड वो भाई साहब। और ये देखो ये मॉब भी आ रहा है, यार ढंग से एक वीडियो शूट करने नहीं देते ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक तगड़े से अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस। I'm like, hey, what's up?